हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फेमस टूर्स में। तो गाइस, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पे आया हूँ। मैं आ गया हूँ गाइस सोनपुर, सोनपुर का मेला देखने। दो साल से गाइस सोनपुर का मेला लगा नहीं था कोरोना के वजह से, तो इस बार लग चुका है और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उद्घाटन भी कर दिया 8 तारीख को। तो चलते हैं गाइस सोनपुर मेला देखने। यहाँ से शुरू होता है सोनपुर मेला। यहाँ थिएटर लगा है पायल, एक नज़र थिएटर, शायद शाम को रात को शुरू होता है। तो इधर है गाइस ग्राम श्री मंडप सोनपुर मेला, अभी उद्घाटन नहीं हुआ है फिलहाल। इस तरफ चलते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट ग्राम में। इधर देखते हैं क्या है। अच्छा, बच्चों के लिए झूला लगा हुआ है पहले। आई लव बिहार। और देसी खाट फल, ये क्या है यार? अच्छा, ये पुराने जमाने की डोली लग रही है। यहाँ ज्वेलरीज हैं और इधर खाने की चीजें। ओह माय गॉड गाइस, कितना सुंदर सा नज़ारा दिखाया है। सैंड आर्ट, ये गाइस टोटल नदी के रेत से बनाया गया है, इतना खूब। नमस्कार। तो यहाँ पे वजन मापा जा रहा है। यहाँ पे LED स्क्रीन लगी हुई है और देख सकते हो यहाँ पे कितना खूबसूरत सैंड आर्ट है। सोनपुर 35 किलो है। देखते हैं क्या है गाइस, यहाँ पे दरी है और पैर पोछने वाला ये मैट है। यहाँ ठंड के लिए कंबल, जैकेट्स आदि का लग रहा है या जूट का। सामने बिहारी व्यंजन लिट्टी चोखा। तो गाइस यहाँ उलन का स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ हैंडीक्राफ्ट का, ये सारी चीज़ें बांस के बने हुए हैं। वाह, देख सकते हो कितना खूबसूरत है। ये देखिए बाबा हरिहरनाथ मंदिर भी बना हुआ है सोनपुर मेला। कहाँ से आया बाबू? कहाँ से आया? समस्तीपुर से। समस्तीपुर। देखिए सारे बांस के हैंडीक्राफ्ट हैं। ये शायद खादी का लग रहा है। वाह गाइस, बहुत ही मजा आ रहा है। हैंडमेड पर्स। और इधर क्या है, ज्वेलरी। चलो इधर अगरबत्ती ज्वेलरी। वाह, सो प्रीटी। और ये जूट के बने थैले। अच्छा है यार, प्लास्टिक बैन से इनको थोड़ा रोजगार मिला। ओह माय गॉड, कितना खूबसूरत खूबसूरत माला है। कहाँ से आए चाचा जी? महसी। किधर पड़ता है? पूर्वी चंपारण, चंपारण मीट। क्या कीमत है इन मालाओं की? सब अलग अलग प्राइस। मतलब लगभग कितने से स्टार्टिंग है? स्टार्टिंग कितने से है सर? 50 रुपीज। देख सकते हो गाइस कितना खूबसूरत माला है। और देखिए जूट का झोला। इसका नाम सी से है चक्का। ओह माय गॉड, यहाँ वॉच कलेक्शन। देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत वॉच, वुडन के क्राफ्ट हैं, हैंडमेड। अचार। और यहाँ फिर से ज्वेलरीज। कहाँ से आओ भैया? समस्तीपुर। ये भैया का गिर गया था। ओह माय गॉड,
ये देख के मुझे याद आया बचपन में मैं बालिका वधू सीरियल देखता था, उसमें दादी साई ये पहनती थी। और यहाँ साड़ियाँ हैं, इधर देखता हूँ किले की मूर्तियाँ, और यहाँ भी ज्वेलरी या क्लिप क्लिप के। ओह माय गॉड, देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत मैट है यहाँ पे, बहुत ही गजब का है यार। इसका क्या दाम पड़ता है? कहाँ से आए हो भैया? कहाँ से? जी भदोही यूपी। यहाँ भी वही बांस के आइटम्स, हैंडक्राफ्टेड हैंडमेड आइटम्स बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पूजा पाठ के सारे सामान हैं। ओह माय गॉड, कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या प्राइस है भैया इसका? 800। वाह, इसी के आइटम्स रखे हुए हैं, MRP 75,000। बाप रे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बिहार पुलिस एक्सपीशन हो रहा है शायद, क्या है चलिए देखते हैं। वाह, तो ये शायद पुलिस बल के काम आने वाले उपकरण हैं, ड्रोन। मेड इन इंडिया सर, मेड इन इंडिया, मृत्युंजय कमांडो, NSG कमांडो, होम मेकिंग ब्रांच। ये सारे टूल्स मेड इन इंडिया हैं? विदेशी भी हैं। डायमंड चेन सो, ओह माय गॉड, इधर देखिए गाइस, NSG कमांडो, CID विभाग, जीव विज्ञान प्रशाखा। फ्रेंड्स मैं पहली बार हैंड ग्रेनेड देख रहा हूँ, माय गॉड कितना मोटा लोहा का है, अगर ये फटता होगा तो क्या हाल करता होगा। टाइम बॉम्ब है सर, रियल प्रशाखा। ओह माय गॉड, देखिए यहाँ गन की एग्जीबिशन है। यहाँ गाइज पंचायती राज विभाग दर्शाया गया है, गांव का पंचायती राज विभाग कैसा होता, संयुक्त पंचायत देख सकते हो आप, पंचायत सरकार भवन कार्यालय स्वास्थ्य केंद्र, और वो नल जल योजना जो कि फेल हो चुका है। जल ही जीवन, जल जीवन हरियाली, कुआं बनाया गया है, मंदिर है, ट्रॉली बैग्स, एस्ट्रोकार्ट, स्काई बैग्स, VIP। तो गाइस एक और सैंड आर्ट देखने को मिला है, देख सकते हो आप कितना खूबसूरत सैंड आर्ट है। सोनपुर मेला में आपका स्वागत है। वाह, बहुत ही खूबसूरत है गाइस, न्यू टेक्नोलॉजी। तो यहाँ रोबोट भी आ गया है, भविष्य जानिए रोबोट से। यहाँ पे ट्रेन के पहिए हैं गाइस। बचपन से बहुत सारा मेला घुमाया मैंने, बट इतने बड़े एरिया में फैला हुआ मेला पहला बार घूम रहा हूँ, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही यूनिक चीज़ें देखने को मिल रही है गाइस इस मेले में। सच कहता हूँ दिल खुश हो गया, थक गए हो? ठंडा तेल भैया, ठंडी में ठंडा तेल बेच रहा है, थकान है तो फिर गरम तेल अजी मुफ्त में नवरत्न की चंपी, ठंडी में ठंडा तेल, ठंडा तेल। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कितना रश है यार, कितना भीड़ है, चलने में भी परेशानी हो रही है। और इधर लगा है सबसे बड़ा तारा माची, इसको स्काई झूला भी कहा जाता है। ओ माय गॉड, क्या भी है ये हलवा पूरी है भाई, लखनऊ का, लखनऊ का
हलवा पूरी। ये क्या है सर? फ्रूट कुल्फी मलाई। वाह। और इधर ब्रेक डांस। और इधर गाइस मौत का कुआं, इसमें बाइक चलेगी, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। इधर फ्रेंड्स नाव है, यहाँ पे पूरा एरिया झूलों से भरा हुआ है और बहुत ही चीज 150 की चादर बेच रहे हैं। इधर लगा जाए 20 रुपए 30 रुपए 60 रुपए वाला सामान, 60 रुपए में बबल गाने, 60 रुपए में लेजर पर गाने, 60 रुपए। टेडी बियर भी है, खिलौनों का दुकान है इधर। यहाँ किचन के आइटम्स मिल रहे हैं गाइस, सस्ते सस्ते दामों में होंगे, मार्केट से तो सस्ता ही होगा यार। इधर देखते हैं फ्रेंड्स, वाह यार इतना तरह का अचार मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। किस किस चीज के अचार हैं? कहाँ से आए भैया, कहाँ से आए हो? कितने तरह का आइटम है? 32 तरह का अचार। मॉडर्न किचन आइटम्स, नॉनस्टिक तवा, कढ़ाई, कितने तरह की चीजें हैं। और यहाँ देखिए फ्लावर पॉट्स मिल रहे हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट्स। देखिए जलेबियाँ छना रही है, करारी करारी मीठी मीठी, ढोलक ढोल ताता, कितना क्यूट क्यूट गुड़िया है। टेडी बियर की दुकान। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से तारा माची और ब्रेक डांस घर भी लगा हुआ है। ओह माय गॉड, कितना आगे तो और तारा माची लगा हुआ है यार, इतना बड़ा मेला जहां तक जा रहा हूं खत्म ही नहीं हो रहा है यार। देख सकते हो कितना ऊंचा तारा माची है। तो गाइस जितना दूर चलते जा रहा हूं और आगे मेला बढ़ता ही जा रहा है, मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा मेला। पता नहीं यार कितना बड़े एरिया में लगा हुआ है, मैं तो चलते चलते हालत खराब हो गया। खाने पीने की दुकान तो बहुत सारी है बट यहाँ पे कुछ खास मिला है देखने को। देखिए क्या लिखा हुआ है, दिल मांगे मोर। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे ठुमका, ऑलमोस्ट गाइस थक चुका हूँ मेला घूमते घूमते, सच कहूँ। फ्रेंड्स यहाँ लुधियाना से कंबल भी आया हुआ है, डिटर्जेंट पाउडर, यार क्या क्या बिकता है। शोभा सम्राट थिएटर लगा हुआ है, यहाँ पे रात को डांस शो होगा। अभी मैं कृषि उद्यान में आया हूँ, देख सकते हो आप यहाँ पे पौधे रोपे हुए हैं। देखिए यहाँ पे कैसे खेती किया जाता है, पूरा प्रोसेस समझाया गया है यहाँ पे। फूल की खेती, पक्का चेक डैम, वहाँ से पहाड़ से पानी आ रहा है, उधर इधर डैम में जा रहा है। और देखिए तिलहन, सब्जी की खेती, अलग अलग तरह के फसल यहाँ पे शो किया गया है। और ये रियल में फसल उपजाया गया है, ये यहाँ कुआं से पानी निकाला जा रहा है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। देखिए कृषि उपकरण भी लगे हुए हैं, कटाई छटाई रोपाई सभी तरह के। और ये क्या है, गन्ने की खेती। ओह माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ठंड में मेला लगा है तो बोरो प्लस भी यहाँ पे मिल रहा है। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था गाइस सोनपुर का मेला का, बहुत मज़ा आया गाइस मेला घूम के। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।